हे गाइस वेलकम टू आर चैनल जुडिशरी गोल्ड सो आई एम स्पर्श जैन आई एम सेंटर हेड ऑफ जुडिशरी गोल्ड दिल्ली एंड गुरुग्राम सेंटर्स जैसे कि आपको पता है जुडिशरी गोल्ड के सेवन हाइब्रिड सेंटर्स पैन इंडिया चल रहे हैं टू इन गुरुग्राम वन इन दिल्ली एंड भोपाल इंदौर लखनऊ जयपुर में और भी बहुत सारे सेंटर्स सो uh, so, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं uh, हरियाणा जुडिशरी के क्योंकि अभी थर्ड मार्च को ये एग्जाम है तो उसके बारे में मैं आपको फटाफट से कुछ क्विक टिप्स दे रहा हूं जो कि शायद आपकी एग्जाम में बहुत मदद करेंगे एंड एक बार इसको सब फटाफट से समझ लेते हैं जैसे हमें पता है कि थर्ड मार्च को एग्जाम है एंड सेंटर्स पंचकुला चंडीगढ़ आए हैं और आई थिंक आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे एग्जैक्ट लोकेशन चेक कर लो कौन सा स्कूल कॉलेज या जो भी सेंटर है उसको चेक कर लो अपनी लोकेशन रिपोर्टिंग टाइम इज 9:30 थर्टी ए एम अगर अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करें डाउनलोड करो Original उसका प्रिंट आउट लेना मैं भी, आपको बता भी दूंगा और उसका करके अपना एक ओरिजिनल आईडी कार्ड भी कैरी करना होगा आपको ठीक है साढ़े नौ बजे नोटिफिकेशन uh, के टाइम भी मैंने आपको बताया था जनरल कैटेगरी uh, के अंदर अभी हैं और टोटल वन ट्वेंटी नाइन सीट्स है हाँ लास्ट नोटिफिकेशन से कम है ऑलमोस्ट हाफ है लेकिन फिर भी अगर देखें तो काफ़ी सीट्स हैं ठीक है सो कंपटीशन हाई ही होने वाला है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अगेन हरियाणा में बार बार नोटिफिकेशन हर साल नहीं आ रहे हैं तो लेकिन फिर भी इस बार जल्दी आ गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था मे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इश्यू हुई थी जो इस, इस वजह से आया है सो so, एनीवेज हमें ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ थी वो अराउंड 356 के करीब थी सो so, इस बारी कट ऑफ हाई जाने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि लास्ट टाइम का एग्जाम uh, वैसे सिंपल आया था इस बार ही अब कैसा आएगा सिंपल आएगा डिफिकल्ट लेवल होगा मॉडरेट होगा इट वुड डिपेंड ऑन थर्ड मार्च और थर्ड मार्च को वो चीज़ पता चलेगी वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है पर फिर भी वट आई बिलीव 380 से 400 के बीच में आपको स्कोर एम करना चाहिए क्योंकि सीट्स लास्ट टाइम से हाफ हैं ठीक है सो टिप्स पे आते हैं मैंने कुछ फिफ्टीन टिप्स निकाली जो कि आपके लिए आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मॉक एग्जाम नहीं दिए हैं तो मॉक एग्जाम की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और इमीजिएटली कर लेनी चाहिए मे बी टुडे और इससे ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए हाँ सैटरडे को क्योंकि संडे हमारा एग्जाम है तो सैटरडे को हमें नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिस आप आज या कल में उसको कंप्लीट कर लो ठीक है मिनिमम दो मॉक्स कर लो इससे देखो मॉक पेपर से टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं क्योंकि पता है वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है वो सब चीजें हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल के टाइम पे जब एक्चुअल में रियल प्रेशर फील होता है तो टफ हो जाता है इसलिए आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट दो मॉक पेपर्स तो जरूर प्रैक्टिस कर लेने चाहिए ठीक है और पिछले चार पेपर्स एनालाइज जरूर कर लो अगर अभी तक नहीं करें तो पिछले चार प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे उनको एनालाइज कर लो इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑन द डे ऑफ ऑन द रियल डे ऑफ एग्जामिनेशन जब तक तीन मार्च को आप एग्जाम टेस्ट uh, देने के लिए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वो प्रेशर आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपने चार पेपर्स पिछले चेक कर चुके होंगे आप दो प्रैक्टिस कर चुके होंगे आई तो थिंक वो जो फियर होता है वो एंग्जाइटी होती है हो, थोड़ी कम हो जाएगी ठीक है डेफिनेटली हेल्प यू देन द थर्ड इंपॉर्टेंट रिविजन सो अगले दो दिन के अंदर हमें कोशिश करनी है कि कम से कम चार बारी बेरेक्स की रिविजन करनी है क्विक रिविजन क्योंकि देखो अब प्रिपरेशन का टाइम तो चला गया आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया की वैसे तो प्रिपरेशन हमारी लास्ट सेकेंड तक चलती ही रहती है हम हमेशा ही कहते हैं तैयारी तो चली रही अभी तो प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है वो कंप्लीट कभी नहीं होती घबराऊ मैं तो उस चीज से अब टाइम है रिविजन का फटाफट को फ्लिप करना शुरू करो अपने नोट्स को फ्लिप करना शुरू करो आ, देन स्टैटिक जीके, लोकल जीके ऑफ हरियाणा कुछ देखो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे पी एस पी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ उनको विजिट करो वहां से कुछ फैक्ट्स निकाल लो अगर अरिहंत आपके पास हरियाणा की अरिहंत लोकल जीके की बुक है वहां से आप देख सकते हो जुडिशरी गोल्ड के नोट्स है वहां से आप देख सकते हो एंड देन करंट अफेयर्स क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी आएंगे तो अराउंड टेन क्वेश्चंस हमारे जीके स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स एंड लोकल जीके के करीब आठ से दस क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी रहनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है उनको छोड़ना नहीं है प्लस बाकी सारा बेरक के रिविजन और आपके जो नोट्स बने हुए हैं उसकी रिविजन क्विक रिविजन्स कोशिश करो इस तरीके से कि आप अगले दो दिन के अंदर फोर टाइम्स रिवाइज कर लो तो एक तरीके से समझो तो घंटे के अंदर आपके रिविजन होने चाहिए तभी आपके चार बार रिविजन हो पाएंगे देन टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन और वन ट्वेंटी मिनट्स होंगे तो व्हाट आई बिलीव एक क्वेश्चन के ऊपर मैक्सिमम टाइम आप जो दे पाओगे 45 सेकंड दे पाओगे क्योंकि रीड भी करना है समझना भी है ऑप्शंस भी पढ़ने फोर्टी फाइव सेकंड भी थोड़ा हायर साइड पे ही है तो आपको कोशिश करना तीस से चालीस पैंतालीस सेकंड के अंदर अंदर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ठीक है देन इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने नोटिफिकेशन में भी पढ़ा होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करा होगा तो वहां भी स्पेसिफिकली uh, मैंशनड है आपको इसमें पांच ऑप्शन मिलेंगे जैसे हरियाणा एडीए के अंदर चेंजेस करे थे इस बारी हरियाणा जुडिशरी के प्रिलियम्स एग्जाम में भी कुछ चेंजेस हैं सो यू विल बी हैविंग फाइव ऑप्शंस अगर आपको वो क्वेश्चन जो भी आप सपोजली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कर रहे हो आप ऐसी रैंडम आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर कर रहे हो और वो सपोजिडली आपको नहीं आता तो उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको ऑप्शन ई सिलेक्ट करना है उसके अंदर ठीक है तो ऑप्शन ई इज टू बी मार्क इफ यू टू स्किप द क्वेश्चन इफ यू टू स्किप द क्वेश्चन मार्क ऑप्शन ई अगर आपने उसको मार्क नहीं करा ऑप्शन ई e नहीं मार्क करा तो आपकी नेगेटिव मार्किंग काउंट हो जाएगी और इसमें यह भी लिखा है कि अगर आई थिंक दस या आई थिंक है तो आप वैसे भी डिसक्वालिफाई uh, हो जाओगे तो इसलिए ब्लैंक नहीं छोड़ना है नहीं आता अगर चार ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको नहीं पता कौन सा है तो मार्क ई टू स्किप द क्वेश्चन ठीक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देन कमिंग टू द नेगेटिव मार्किंग पॉइंट एट जीरो एक क्वेश्चन सही करोगे तो चार नंबर मिलेंगे गलत करोगे तो 0.80 0.80 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे सो 1/5 इज द नेगेटिव मार्किंग इन हरियाणा जुडिशियरी ठीक है सो so, इसका हमें ध्यान में रखना है अह uh, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत स्टूडेंट्स एट टाइम्स मिस्टेक करते हैं जिस टाइम एग्जाम देते हैं ओएमआर शीट जो होती है उसको साथ-साथ हमें फिल करना चाहिए क्वेश्चन 1 पढ़ा उसका जो सर्कल करना है हमें साथ में कर लिया और क्वेश्चन टू पढ़ा उसका ऑप्शन जो भी है उसको हमने साथ में मार्क कर लिया हम कई बार सो, ये सोचते हैं कि चलो यार टू तो आता नहीं इसमें बाद में आ जाएंगे फिर देख लेंगे वो बाद का टाइम कभी नहीं आएगा और खास करके अब अब क्योंकि अगर आप ऑप्शन ई e उसके ऊपर साथ में टिक नहीं करोगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी वो फिल करने का टाइम नहीं मिल पाएगा लास्ट में तो इसलिए साइड बाय साइड प्लीज उसको मार्क करते चलो नहीं आता तो आगे बढ़ो उसके अंदर ऑप्शन ई लिखो और उसको सर्कल करो और आगे बढ़ो ठीक है Then, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि नॉर्मली हम एग्जाम में फील करते हैं एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर शुरू के ही क्वेश्चन नहीं आते होते हैं। वहां हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट uh, हो जाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है यार ये तो हमसे हो ही नहीं रहा शुरू के क्वेश्चन नहीं आते दिस डज नॉट मीन कि आपको आगे के क्वेश्चन भी नहीं आते होंगे प्लीज उससे कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर शुरू के पांच दस क्वेश्चन लगातार आपके नहीं हो पा रहे हैं आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इससे प्रेशर मत फील करो कि मेरे को चलो कोई नहीं अब तो हो नहीं पा रहा है चलो जो आता है तुक्के लगा लेते हैं गेस कर लेते हैं हम चार में से चार ऑप्शन ए बी सी डी में से हम दो भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं मार्क कर लेते हैं अब बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दोगे और सही क्वेश्चन भी आप फिर गलत करोगे क्योंकि आप प्रेशर में आ जाओगे प्लीज उसको आप अवॉइड करो शुरू के क्वेश्चन नहीं आते डोंट वरी आगे बढ़ो कोई ना कोई तो आ, ऐसा कोई ना कि आता ही नहीं होगा ठीक है सो आगे बढ़ो हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको आते होंगे ठीक है so, सो इसलिए शुरू के क्वेश्चन रीड करने से आप कॉन्फिडेंस लूज मत करना अगर नहीं आते तो आई एम श्योर आते ही होंगे वैसे तो पर नहीं आते तो कोई बात नहीं ठीक है दूसरा आपको ओरिजिनल आईडी डी मैं आ, मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड प्लीज डाउनलोड कर लो उसका प्रिंट निकाल लो और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, उसको रीड कर लो यू हैव टू कैरी ओरिजिनल आईडी अपना कोई भी आईडी प्रूफ आधार कार्ड पैन कार्ड वॉट एवर वो आपको कैरी करना है और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन कैरी करना है जेल uh, पेन नहीं चलेगा बॉल पेन या ब्लू सॉरी ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन आपको कैरी करना है आई विल सजेस्ट यू कि ब्लैक बॉल पेन कैरी करो उसी से ओ एम आर शीट पर भी जो मैंने आपको कहा दो मॉक करने तो उससे सर्कल करके उसकी प्रैक्टिस भी कर लो कि उसकी टिप ठीक है uh, वो इंक uh, ब्लॉट तो नहीं हो रही वो सब चीज़ें चेक कर लो ठीक है नहीं तो जो एम आर रीडर्स होते हैं वो टाइम्स ढंग uh, से क्लियरली वो हो, हो नहीं पाता है उसमें चेक फिर ठीक है सो ब्लैक बॉल पेन आई थिंक वुड डू आजकल बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स चल रहे हैं मैं पॉइंट पे हूँ यू आर नॉट सपोज टू कैरी एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम दोर एडमिट कार्ड ओरिजिनल आई डी प्रूफ एंड ब्लैक बॉल पेन सो दो बॉल पेन आप कैरी कर लो दो या तीन जितने आपको ठीक लगते हैं ये नहीं कि पांच ले जाओ उसका क्या करोगे तो so, दो या तीन आपने बॉल पेन कैरी कर लो सेम कलर के देन ओरिजिनल आईडी एंड एडमिट कार्ड सेट कोई ज्वेलरी नहीं पहननी कोई रिस्ट वॉच नहीं पहननी कोई किसी भी तरीके का कोई को वॉलेट या वॉटर बॉटल्स आपको कैरी नहीं करना पानी आपको सेंटर पर मिलेगा तो इसलिए उस उसके बारे में आप टेंशन मत लेना प्री uh, के अंदर हमने बहुत बार ये देखा है स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के ऊपर ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं अब इससे क्या होगा ओवर थिंक अगर आप करोगे ना तो तो ऑप्शन गलत होगा पक्का जितना ज्यादा सोचोगे उतनी प्रोबेबिलिटी खराब उतनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि आपका आंसर गलत होगा दूसरा यू आर वेस्टिंग टाइम मैंने आपको बताया लगभग 40 सेकंड मिलने वाले हैं 40 से मैक्सिमम 45 सेकंड आपको एक क्वेश्चन पे मिलेंगे ज्यादा सोचोगे आप टाइम वेस्ट कर दोगे वो जो आप एक क्वेश्चन पे टाइम लगा रहे हो दूसरे पे भी आपको उस पर सफर करना पड़ेगा इसलिए बेटर है आप उसको स्किप करो नहीं समझ में आ रहा स्किप करो हमेशा यह ध्यान रखना अगर आप चार में से दो ऑप्शन भी आराम से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसके अंदर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना आ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ठीक है टाइम्स ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही हमारा पेपर क्लियर नहीं हो पाता जबकि अदरवाइज हमारा स्कोर ठीक होता है तो इसलिए अवॉइड करो नेगेटिव मार्किंग्स को बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्योंकि एग्जाम ग्यारह बजे होने वाला है एंड रिपोर्टिंग टाइम साढ़े नौ बजे है तो इसका मतलब आपको आइडियली नौ बजे के आसपास आपको सेंटर पे पहुंचना है जिसके लिए आपको कम से कम सेवन ओ रेडी हो गए एक घंटा लगेगा देन सेंटर पर पहुंचने में तो टेक्स टाइम तो मैं सजेस्ट करूँगा अगले दो से तीन दिन uh, आप सुबह छः बजे उठना शुरू कर दो जिससे कि आपका वो रूटीन डेवलप हो जाए सिक्स ओ उठो फ्रेश uh, हो अपनी तैयारी करो ग्यारह बजे आपका ग्यारह से पहले इनफैक्ट दस बजे के आसपास आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो uh, मतलब कंप्लीट होकर के आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए रिविजन बहुत आराम से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए सो so दैट आपका माइंड एटलीस्ट वो दस से लेकर के दो बजे तक का जो टाइम है उस टाइम पे आपके माइंड को हैबिट हो जाए दो तीन दिन में कि वो बहुत एक्टिव हो जाएगा ठीक है सो स्टार्ट वेकिंग अप एट सिक्स ओ क्लाक फॉर नेक्स्ट टू थ्री डेज जिससे कि वो हैबिट आपकी डेवलप हो जाए एग्जाम uh, वाले दिन थर्ड मार्च वाले दिन इसके अंदर इज आपको फिर बाद में दिक्कत आएगी रूटीन अगर आपका सेट नहीं हुआ और एटलीस्ट सेवन टू एट आवर्स स्लीप जरूर लो अगले दो दिन में प्रेशर मत लो कि या रिविजन नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं जितना हो रहा है वो अच्छा है अब आप प्रॉपर स्लीप लो दो तीन दिन, दिन जिससे कि लास्ट डे आपकी एंग्जाइटी नहीं हो ठीक है एंड हमें ये ध्यान रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट है एट टाइम्स क्योंकि हम दूसरी सिटी में जाते हैं होटल में रहते हैं या जैसे जो भी एकमिडेशन होती है फिर हमें बाहर खाना पड़ता है एटलीस्ट एग्ज़ाम से दो तीन दिन आपको बहुत लाइट खाना चाहिए हेल्दी खाना चाहिए और जितना हो सके पानी पीना चाहिए हाइड्रेटेड रहो एग्जाम सेंटर पे भी आपको पानी मिलेगा तो वो पानी पी लो पर ज़्यादा कोई फ्राइड ऑयली चीज़ें या कुछ भी बाहर का कोई स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए दैट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि उस टाइम पे अगर कुछ दिक्कत हो गई हेल्थ इशू हुआ तो फिर एग्जाम बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो प्लीज़ इन सब बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए सो बेस्ट ऑफ लक दीज वर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल आई एम श्योर की टिप्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर सो uh, so, अच्छे से करो आई एम श्योर पेपर अच्छा होगा वेटिंग फॉर योर सक्सेस सी यू थैंक यू